नमस्कार दोस्तों, डीके स्टेडियम डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हमने आपके लिए जो प्लॉट लाया है, जिस प्लॉट के प्लान लाया वो क्रॉस प्लॉट है, जिसके चारों जो साइड है वो अलग अलग, उसकी जो जो साइज़ है वो अलग अलग थी, उसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। इस प्लॉट को दो रोड है, एक इधर से है और एक इधर से, ये आप देख सकते हैं। प्लॉट को ऐसे दो रोड जा रहे हैं और इस प्लॉट की जो साइज़ है हर एक बाउंड्री में आपको बता देता हूँ। ये जो पीछे वाला साइड है ये 31 फीट है। ये वाली जो क्रॉस जो प्लॉट है की जो साइज़ है वो 46 फीट है। ये वाली जो साइड है फ्रंट वाली ये 43 फीट, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इसकी 43 है। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइज है 31 फीट, 31 फीट है, ये भी 31 फीट है, ये 46 और ये 43 फीट इसकी साइज़ है। इसमें हमने जो प्लान है वो बैठा है, जो आप देख सकते हैं। मैंने पहले दीवार जो है उसको ड्रॉ करके रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। सबसे पहले आपका एक मेन गेट यहाँ पे रखा गया है, इससे आपकी जो कार है वो यहाँ पे रहेगी और ये पूरा पार्किंग एरिया है। आपकी एक कार और एक आधी टू व्हीलर बाइक यहाँ पार्क हो सकती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो पार्किंग एरिया है यहाँ से यहाँ तक लेके 12 फीट है, 12 फीट यहाँ से ये बाउंड्री तक है, और यहाँ से जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो 16 फीट 2 इंच है। ये मेन गेट है और यहाँ से आता कि 16 फीट 2 इंच है, ठीक है, 16 फीट 2 इंच यहाँ पे पार्किंग है, ठीक है। अब ये जो पार्किंग है यहाँ से जरा ज़्यादा है, यहाँ पे ये थोड़ी कम आएगी, तो कुछ 10 या 11 फीट के आसपास यहाँ पे आपको कम मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा पार्किंग एरिया है, आपकी गाड़ी वगैरह खड़े रहेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो हिडन लाइन दिख रही है ये पोर्च एरिया रहेगा, यानी कि गाड़ी के ऊपर स्लैब जो रहेगा उसकी ये इसके इंडिकेट करती है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी मेन स्टेप होती है, जिससे आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिविंग हॉल मिल जाएगा, ठीक। ये पूरा का पूरा एक लिविंग हॉल है। इसकी साइज़ जो हॉरिजॉन्टल साइज़ है वो है 21 फीट 10 इंच। ये 21 फीट 10 इंच ऐसे लेंथ है इस हॉल की, लिविंग हॉल की। और इसकी जो वर्टिकल लेंथ है तो वो है 10 फीट 9 इंच इस लिविंग हॉल की साइज है। ये क्लाइंट के हिसाब से हमने बड़ा रखा था, आप चाहे तो इसमें कुछ पार्टीशन वगैरह के डाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग रूम में ही ऊपर जाने के लिए आपको स्टेयरकेस दी गई है, ये आप बाहर से भी रख सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे अंदर से रखी है। ये 3 फीट 3 इंच चौड़ी स्टेयरकेस है, 3 फीट 3 इंच, और ऐसे 10 स्टेप है और इधर से 10 स्टेप है, यानी कि 20 स्टेप में आप टेरेस पे जा सकोगे, ठीक है। और इस स्टेयर के नीचे का जो पार्ट है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टेयर अंदर से, इसलिए प्राइवेसी के हिसाब से यहाँ पे पूरा उसको कवर कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, आपको यहाँ पे छोटा सा एक आर्च मिलेगा, मैं इसको रेड पेन से मार्क करता हूँ। ये आर्च है, यहाँ पे कोई भी डोर नहीं लगेगा, पूरा ओपन रहेगा ये, ठीक है। और इधर से यहाँ पे बाजू में यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये किचन है, इस किचन की जो लंबाई है वो 11 फीट है। और जो वर्टिकल लेंथ है, यानी कि जो चौड़ाई है किचन की, वो 9 फीट है, ठीक है। 9 फीट है और ये 11 फीट है। और इस किचन को जो वॉश एरिया है वो यहाँ पे पीछे दिया है, पे जो क्रॉस थोड़ा सा जो जगह है वहाँ पे आप वॉश एरिया दे चुके, मैं लिख देता हूँ। ये वॉश एरिया यहाँ पे हमने दिया है, इसको यहाँ पे एक डोर रहेगा, ये कुछ इस प्रकार खुलेगा, इसको आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किचन को भी एक आर्च रहेगा, यहाँ पे भी आप डोर लगा सकते हैं लेकिन ओपन ही अच्छा लगेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये कॉमन एरिया है, यानी कि जो सर्कुलेशन रूम के लिए लगेगा उसके लिए वो एरिया है, इसलिए हम इसको और कुछ नहीं लिखेंगे, उस कॉमन एरिया आप उसको समझ लीजिएगा। ये जो है यहाँ पे हम कॉमन टॉयलेट रहेगा जिसको बाकी के लोग यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे एक डोर रहेगा, और ये हमारा रहेगा कॉमन टॉयलेट। इसकी जो लंबाई है कॉमन टॉयलेट की वो 7.5 फीट है। साढ़े सात फीट बाय 4 फीट का ये कॉमन टॉयलेट रहेगा, जिसमें बाथरूम और टॉयलेट दोनों को कंबाइन में एडजस्ट किया गया है। ये 4 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। और ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे आप आउटर एक वॉश बेसिन लगा सकते हैं, ये मैं कुछ इस टाइप में लग देता हूँ, ये वॉश बेसिन रहेगा। सामने आते आपको एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे दिया गया है, इसको ये अटैच टॉयलेट रहेगा। पहले मैं मास्टर बेडरूम समझा, तो उसके बाद में अटैच टॉयलेट आपको समझा दूँगा। ये जो मास्टर बेडरूम है ये 12.5 फीट लंबाई है इसकी, और जो ऊंचाई है वो है 10 फीट 2 इंच, 12.5 फीट बाय 10 फीट 2 इंच का है, 10 फीट 2 इंच, उसके बाद में 12.5 फीट का ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। और ये मास्टर बेडरूम के यहाँ पे ये अटैच टॉयलेट है, इसकी भी साइज 7.5 फीट बाय 4 फीट ही रखी गई है। इसको भी एक डोर रहेगा जिसको आप अंदर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके साइड में वो सिंगल बेडरूम रहेगा, उसमें कोई अटैच नहीं है। सिंगल बेडरूम की जो साइज है वो 12 फीट बाय 9 फीट है, मैं लिख देता हूँ।